एक आदमी बहुत गरीब था, पैसा कमाने का भूत चढ़ा, लगा काम करने, काम करते करते लखपति बना, करोड़पति बना, अरबपति बना। समय बीतते गए, काम करता गया, व्यापार बढ़ता गया। जब अटूट संपदा हो गई तो उसके मित्रों ने कहा कि देखो अब तो बहुत संपत्ति हो गई, चलो हरिद्वार में कुंभ लगा है, होकर आते हैं। बोला अभी नहीं, अभी कमाने दो। कमाते कमाते उसकी उम्र 60 वर्ष की हुई। 60वां जन्मदिन जिस दिन था उसका, उस दिन दोपहर में उसने अपना पूरा हिसाब बनाया तो देखता है कि इतनी संपत्ति एकत्रित हो गई है कि उसकी कई पीढ़ियां बैठकर भोजन करेंगी, तो ये समाप्त होने वाला नहीं है। सोचा बहुत कमा लिया, अब आज के बाद आनंद करना है, भजन करूंगा, तीर्थाटन करूंगा, भ्रमण करूंगा। निर्णय किया दोपहर में, रात को जन्मदिन उत्सव मनाया, भोजन भया, लोग घर गए, सोया कमरे में, एसी चालू करके सोया। 1 बजे रात में देखता है कि एक काला कलूटा मोटा आदमी आकर उसकी रजाई को खींचा, जगा तो पूछा तुम भीतर कैसे आ गए। उसने कहा मैं कहीं भी जा सकता हूं, तो यहां क्यों आ गए। उसने कहा यही आना था, क्यों, टाइम पूरा हुआ, चलो तुमको ले जाने आया हूं। अब सोचा सेठ कि आज दोपहर में ही निर्णय किया हूं कि आज से आनंद करना है और आज जाने का दिन आ गया, तो सेठ जी तो सेठ जी। उस यमदूत से बोले कि 50-50। बोले क्या 50-50। बोले जितनी संपत्ति है उसका 50% दे देता हूं, 1 साल बढ़ा दो। बोले दिमाग खराब है तुम्हारा, है घूस देते हो, चलो 1 साल कहते हो, 1 दिन नहीं बढ़ेगा। उसने कहा पूरी संपत्ति लेकर 1 दिन बढ़ा दीजिए। बोले फिर समझ में बात नहीं आती, 1 मिनट नहीं बढ़ेगा, अभी चलो। सेठ जी ने कहा कि एक पत्र लिखने का समय तो दे दीजिए। बगल के कमरे में उसका बेटा सोया था, कागज पेन लेकर उसने बेटे के नाम से एक पत्र लिखा और कहा बेटे मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जाते समय एक शिक्षा मुझे प्राप्त हुई है, सोचा कि तुमको बताता जाऊं, तुम्हारे जीवन में काम आएगा। बेटे आज इस समय मुझे पता चला है कि जिस संपत्ति को कमाने में मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, उस जीवन भर की कमाई को देने पर भी मैं अपने जीवन का 1 मिनट नहीं खरीद पाया। इसलिए तुमसे निवेदन करता हूं कि सब करना, पैसा भी कमाना, धन भी कमाना, काम भी करना, परंतु उसके साथ ही साथ जीवन के आनंद को समाप्त मत होने देना, उसको भी करते रहना, तीर्थाटन भी करना, भजन भी करना, अलग से समय मिलने वाला नहीं है। क्यों महाराज, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ये साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा।